आर्थुरुल बे का घोड़ा जो। अस्सलाम वालेकुम, हम एक और व्लॉग के साथ आए हैं, लेकिन इस व्लॉग में हम लोग शिकार पे नहीं जा रहे हैं, फिशिंग करने नहीं जा रहे, बल्कि हम लोग जा रहे हैं नूरानी नूर अरबला दूर। बारिश हो रहा है, मौसम पूरे 109 रिपोर्ट आया थी, वहाँ पर नदी भी आए, लेकिन हमारा इंतजाम जो है बिल्कुल 109 पे, क्योंकि वो अलर्ट ग्रुप पे, तो अलर्ट ग्रुप हमारा साथ जो कैमरा पकड़ा हुआ उन्होंने उसको भी दिखाएंगे। पूरा तकरीबन 8-9 बंदे हैं, फुल 109 पे धमाकेदार। अब सीन पार्ट एक और ये है कि जिस बंदे ने ये जो इंतजामिया था, जो बंदे ने जो है वो ये प्रोग्राम बनाया था नूरानी का, वो बंदा शार्ट हो गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ ससुराल। तो वो बंदा जो है वो 109 पे हो गया, लेकिन हमने जो है पक्का तैयार किया हुआ कि हम जाएंगे इंशाल्लाह नूरानी पे जाएंगे। वहाँ पे बहुत से कहानियां हैं मशहूर, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और जो कैमरामैन जो इंतजाम यही फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, और परियां आती है रात को, पापा की परियां आती है, तो खास के ऊपर वो देखने के लिए हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। मजा आएगा, एंजॉय आएगा। आप लोग भी व्लॉग को आगे देखते रहिए, हम जाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, मैं कैमरे को घुमाऊंगा ये जो इंतजामिया वाला। ठीक है इमरान भाई, इंतजामिया आप क्या कहोगे, आज जो है वो कश्तियाँ चल रही है वहाँ पर, तो आप निकल जाओगे यहाँ से बाइकों के साथ? बस नियत की है हम लोगों ने इंशाल्लाह। रहमान भाई हमारे साथ, और ये अलर्ट ग्रुप का मेन बंदा राशिद PLB, ये जाफर भाई इंतजामिया नंबर 2, और सरदार ने मुझ पाया है वो अपना जानेब भाई, और हमारा जो है वो हुजूर भाई भी शामिल है। भाई क्या हम तो ऐसे दोनों क्लियर रखने कहानी का, सही है कहानी क्लियर हो रहा है अभी से भैया, ना जुगाड़ मुगाड़ का सारा सिस्टम करो उस्ताद। 109 पुल पुल पुल, कोई तरीका है भीख मांगने का? आओ एक कमी विषय के भी उस्ताद, मिड बिचारे जाहिर ने है ना, गिलास गिलास सही लगेगी, गिलास 109 पुल वेल्डिंगर हो गए तो, वेल्डिंगर हो गए तो हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब यह होंगे कि उन्होंने तकलीफों ना डील करना होता है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। लीड टू कर नूरानी, नूरानी जबरदस्त। आओ दूर कभी बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तीन पार्ट ये है कि अलर्ट ग्रुप जो है हम लोग बाइक का जो है मेंटेनेंस करने के लिए पहुंचे, उनका रास्ता जो है लंबा है तकरीबन, तो अभी जो है वो हम लोग मेमन गोड में सालेमत गोड से निकले और मेमन गोड में, और उसके बाद हम लोग बाइक का मेंटेनेंस करने के लिए खड़े हुए, और इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर यहाँ से भी गली वली हो जाएंगे और सीधा आपको बुला करें नूरानी नूर अलबरा। 4:30 हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे नूरानी, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर थोड़ा हादसा हो गया, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और जो है वो पंचर हुआ गाड़ी बन रहा है, वो जैसे बनेगा इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अब चौकी का जो बंद है वो टूट गया था, जिसकी वजह से पानी जो है वो इधर जो है वो पुल 109 के ऊपर आ गया, और रोड के ऊपर बिल्कुल पानी जो है वो अब जो नदी है उसका है। अब डैम में पानी तकरीबन 2 फुट जो है वो पानी बचा हुआ है, अब डैम का भी पानी बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़ चुका है, और वो भी जो है वो अभी बाहर निकलने को है, तो पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। नया सीन ये है कि बहुत अफसोस के साथ और दुख के साथ और दिल की जो है वो रंज हो रहा है हमें कि हम लोग जो है वो वहाँ पर हम लोग नहीं गए। ठीक है कहाँ पर? नूरानी पे। नूरानी का प्रोग्राम कैंसिल होगा, उसकी रीजन ये है कि पुल जो है वो नदी का जो बंद है वो टूट गया है, पानी बहुत ज्यादा जमा है, इसके वजह से हमारा थोड़ा प्रोग्राम आगे पीछे हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों को भरपूर एंजॉय कराएंगे। अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर में फार्म हाउस है, तो वहाँ पर जो है वो जाएंगे, प्रोग्राम कैंसिल होगा क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा, जाएंगे वहाँ पर भी आएंगे। मुसीबत बहुत हो रहा है रस्ते में, कभी 5 घंटे हो गए रस्ते में हम लोग अभी तक। Yeah, I'm going to go.
कितना टाइम लगेगा सर? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी वो मैं पाद रही थी तो टट्टी निकल गई। बाइक चला चला के बेहद तकलीफ, एक तो नदियां ऊपर से बारिश, तीसरा भूख, और हमारे लड़कों की भी जो है तबियत खराब होने लगे हैं। अभी 8 बज गए, 8 बज गए, अभी तक हम लोग इंदौर में, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। कुछ भी, कुछ भी। इंतजामिया हरकत में, इंतजामिया हरकत में 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट निकाल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हम लोग इस वक्त जो है वो सुबह हो चुका है, तकरीबन 7 बज रहे सुबह के, और हम इस वक्त फार्म हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो है वो तकरीबन 10 से 12 एकड़ से भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ज़मीन में पहले हुए जो है वो चीकू के बागात हैं। इसके अलावा बहुत से बागात हैं। हम लोग, हमें और जो है वो मेरा जो है वो कज़न है राशिद भाई, ये भी जो है मौजूद है यहाँ पर। बाकी सारा पार्टी वहाँ पर जो है वो सो रहा है, बहुत से लोग सो रहे हैं अभी तक, और बहुत से जागे हुए बैठे हुए चाय वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम लोग अभी से ही थोड़ा सा जो मटर गश्त करते हैं, क्योंकि बाद में शायद मौका मिले या ना मिले या धूप में क्या मामला होगा, इसीलिए हम लोग इस वक्त हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग इस वक्त चीकू के बागात में आ चुके हैं और चेक कर रहे हैं कि शायद कोई ना कोई जो है वो चीकू हमें पक्का मिल जाए, उसको हम खा के ट्राई कर लें। भाई चीकू को मिल गया, राशिद भाई को एक पक्का चीकू जो है उन्हें सुबह सुबह एक दाना मिल गया है। अभी इसको खा के ताज़ा 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 ये देखो, खा के इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट इसमें क्या जायका होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। कुछ खुद खाता हूँ खुद, और कुछ अपने कज़न को देता हूँ। ये लो, आप भी चेक कर लो, सुबह का टाइम है, अल्लाह खैर करे, ना नाश्ता किया ना कुछ और। जबरदस्त, जायका A1 जायका। ये देख लो भाई, अभी हमने तो टैट चिकू खा लिया, अभी जा रहे हैं फालसे के बगीचे में, देखते हैं। वैसे तो सीजन खत्म हो गया फालसे का, शायद कुछ मिल जाए खाने के लिए। ये आपके सामने आगे फालसे का बगीचा है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो मनाजिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नूरानी से जो कैंसिल हो गया था प्रोग्राम हमारा, हम लोग यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर वाकई में, क्योंकि दिन जब सुबह भी हो गया, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। पीछे हुए फास्ते का बागात भी हैं, लेकिन जैसे कि जो है राशिद भाई ने कहा कि फास्ते का जो है मौसम सीज़न ख़त्म हो गया, इसीलिए फास्ते यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत से फ्रूट हैं, जैसे कि खजूर हो गया, और बहुत से फ्रूट हैं। सुबह का जो गाँव का एक रिवायती होता है कि जो बंदा जो है दूध होता है, लस्सी होता है इस तरह का, तो वो जो है वो इस वक्त बन रहा है वहाँ पर, हमारा दोस्त जो है बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो आए हुए मटर गश्त के लिए। आप देख सकते हैं हमें पारू तो नहीं मिला, उसके सीज़न क्योंकि ख़त्म हो गया। पारू के जगह पे एक और चीज़ दिखाते हैं जो ज़्यादातर बलोची में कहते हैं कि करुंडा सर। आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि करुंडा क्या चीज़ है, इससे बंदे को बोलते हैं। ये है हमारा करुंडा, ये होता है लाल लाल खून की तरह। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये आप देख सकते हैं खून कितना इसमें ज्यादा, ऐसा लगता है कि इंसानी खून है। मतलब ड्रामे में अगर ये यूज हो जाता बेहतर है, ज्यादातर तकरीबन ड्रामों में यूज होता है। ये देखिए जरा सा भी फर्क नहीं है इसका और खून में। फिर से एक और दिखाएं इसमें, ये हम दोबारा आपको दिखाते हैं। ड्रामे में यूज होने वाला खून जो है वो करुंडा सर। चुप, बिल्कुल चुप।
बलोची में से आता है, इसको कहते हैं खरुंडा, ये बलोची में उर्दू में पता नहीं है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं अपने हाथ पे गिराता हूँ, ये देखें बिल्कुल जीनियन खून की तरह है, ज़रा सा भी इंसानी खून में और इसमें ज़रा सा भी फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इसका ये चक्कर क्या है जो भी इनको जो बांध दिएगा बोरियों के साथ? तो पक जाते हैं, जो ज्यादातर मार्केटों में मिलता है आधा पका हुआ आधा कच्चा है, ये इसलिए इस तरह करते हैं ताकि ये पक जाए। वैसे इसके ऊपर अगर धूप लग जाए बारिश लग जाए वो खराब हो जाते हैं। इस तरह पैक होता है ना, इसके अंदर गर्माइश लगता है, इनको सही सही पक जाते हैं। जो है वो काले जो है वो बाघ से भी उतार रहे हैं, तो चेक करते हैं। जायके में इतना यानी बुरा नहीं है, अगर ये पक जाए ना इससे और ज्यादा मीठा हो सकता है। उनके पूरे से पका नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मल है, मतलब और जगह से जो भाई बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर है। ये आप देख सकते हो, ये सारे जो बागात हैं ये सिर्फ सारे के सारे जो है वो लेमन के बागात हैं। माशाल्लाह से जो है वो अर्थुरुल बे का घोड़ा जो है वो इस वक्त विंटर में मौजूद। कैसा लगा मेरा मजाक? हियर आर सम जड़ी बूटीज, ये वो जड़ी बूटी जो अकीम अज़रात जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर फैल चुके हैं। अगर आप इनको देखो, ये इनका नाम तो कंफर्म नहीं पता लेकिन इनका नाम कोई ना कोई होगा बारल, लेकिन दीज आर द जड़ी बूटीज ऑफ ओरिजिनल इनके बाग से ताकत है। इनका जड़ी बूटी का मुझे नाम नहीं पता, पता नहीं इनका क्या नाम है, लेकिन तकरीबन ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये कपास है। कपास है? जी जी बिल्कुल, ये कपास है, ये देखो ये सारा कपास है। अरे जबरदस्त, ये देखिए, हमें तो पता ही नहीं था इनका शायद जड़ी बूटी है, तो कपास है भाईजान, ये सारा कपास है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सेटिंग ये है कि तकरीबन जो है 9:30 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं इधर से फार्म से। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो बहुत से हमारे दोस्त हैं वो कब्ज़ हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर कोई खास मतलब इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त हुआ सारा कुछ, ओके की रिपोर्ट हुआ, नूरानी का प्रोग्राम था लेकिन यहाँ पर आ गए। तो अब जो है वो प्रोग्राम हमारा ये है कि हम यहाँ से बिल्कुल अभी निकलने के प्रोग्राम में और यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह कटानी, और वहाँ पर जो है वो नहा धोकर फिट होकर वहां से निकलेंगे सीधा घर। कहां बवासीर बना दिए हो, चला हाथ झंझरा जाता है। सीन ये है कि हम लोग गडानी जाने वाले थे लेकिन जो है वो गडानी में दफा 144 नाफिस है और वो बंद था, तो हम लोग वहां से निकलकर सीधा हम लोग यहां पर रहे नदरन बाईपास के साथ ही जो है वो एक नहर जा रहा है पीछे आप देख सकते हो, इस नहर में जो हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर एंजॉय करने के बाद सीधा कली बल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो सारा जो ट्रिप पे पूरा का पूरा वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर नदन बाईपास के ऊपर नूरानी का रहता था लेकिन बहरहाल हम लोगों ने इन्जॉय किया, जहाँ पर भी गए नसीब में नहीं था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जाऊँ तो वहाँ पर नेक्स्ट टाइम जाएंगे। लेकिन अब बहरहाल जो पूरा दिन था कल रात शाम से लेकर आज जो शाम तक इंशाल्लाह मज़ा आया। छोटे छोटे आसिफ भाई की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह।